ओम शांति। सुंदर अनुभूतियों की इस पावन वेला में जब हम परम पिता के सामने हैं, अपने आप को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा अनुभव करें, मैं भाग्यवान आत्मा हूं जो परम पिता के सम्मुख हूं, मेरे भाग्य का सितारा भृकुटी कक्ष में चमक रहा है। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य इन पावन पलों में पवित्र क्षणों में मैं परम पिता के सम्मुख बाबा मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित हैं। मैं आत्मा भी अपने को बाबा के सम्मुख पाकर बहुत प्रसन्न हूं। ये मंगल मिलन अतींद्रिय सुख प्रदान करने वाला है। बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा को देख रही हूं। बाबा को देखकर मन अपार खुशी का अनुभव कर रहा है। आंख खुलते ही बाबा की मीठी दृष्टि ने मुझे निहाल किया है। मुझे शक्ति से भरपूर किया है। वरदानों से भरपूर किया है। मुझे स्वमान की माला पहनाई है। मैं अपने ऊंचे स्वमान में स्थित हूं। मैं शक्ति
शक्तिशाली आत्मा अलंकारी मूरत हूं। स्मरण रहे स्वमान के साथ साथ कर्तव्य भी याद करें। जैसा मेरा स्वमान है क्या वैसा मेरा कर्तव्य है? कुछ सेकंड के लिए मौन रहकर, साइलेंस में रहकर अपने आप से पूछें, जैसा मेरा स्वमान वैसा मेरा कर्तव्य है? भगवान उवाच, जो सदा अलंकार से सजे सजाए रहते हैं वो अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। अपने सामने अपना संपूर्ण स्वरूप, भविष्य रूप, जिनके हाथ में अलंकार है, विष्णु जी का चित्र सामने लाइए। गौर से इस चित्र को देखिए। यही मेरा भविष्य का यादगार है। ये चारों अलंकार कुछ ब्राह्मण आत्मा के हैं। इन अलंकारों को धारण कर मुझे ऐसा बनना है। एक एक अलंकार को सामने लाएं। ये शंख मुझ ब्राह्मण आत्मा के लिए
मेरे कर्तव्य की याद दिलाता है। मुझे शंख ध्वनि कर सबका मिलन सर्वशक्तिवान से कराना है। हे आत्माओं, परम पिता को पहचानो, संबंध जोड़ो, उन्हें याद करो। सर्वशक्तिवान बाबा, परम धाम छोड़कर हमारे लिए आया है। दिल से कहो, मेरा बाबा, दिल से कहो, मीठा बाबा, और अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से बाबा को याद करो। अब अपने अंतःकरण की ओर देखें, क्या मैं सचमुच शंख ध्वनि करता हूं? अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं को बाबा का संदेश जरूर देना है। बाबा की शक्तियों को निज में भरें, और अपने मस्तक से चारों ओर फैलती हुई अनुभव करें। बाबा से शक्तियां लेते जाएं, सबको देते जाएं। मन से भी शंख नाद करें। आत्माओं, बाबा आपको बुला रहे हैं, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, बाबा को पहचान कर संबंध जोड़कर सदा के लिए खुशहाल बन जाओ।
कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। पवन ये खिला चमन ये दिन और ये दिन मान मिला, ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ। Thank you.
अब अपने दूसरे अलंकार को इमर्ज करें, ज्ञान योग की गदा। अपने आप से पूछें, क्या मैंने ज्ञान योग की शक्ति को इतना खुद में धारण किया है कि अपने पुराने संस्कार बदल सकूं? अंतर की ओर अपने आप को झांकते हुए खुद से खुद बात करें, क्या मैंने ज्ञान योग की इतनी ताकत अपने में भरी है जो मैं पुराने संस्कारों को नष्ट कर सकूं? चाहे वो क्रोध का संस्कार हो, चाहे आलस्य का हो, चाहे ईर्ष्या का हो, ज्ञान योग की लाइट आते ही मन का अंधकार दूर हो जाता है, विकार भाग जाते हैं। अपने आप से दृढ़ संकल्प करें, अब मुझे ज्ञान योग में मजबूत बन अपने पुराने संस्कारों को, दुखदायी संस्कारों को भस्म करना है। ज्ञान योग की शक्ति से नष्ट करना है। मुझे किसी और को नहीं देखना, अपने आप को देखना है, अपने आप को बदलना है। किसी भी संस्कार का परिवर्तन आंतरिक खुशी देता है। परिवर्तन करना ही है, ये दृढ़ संकल्प इमर्ज करें। बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। सेकेंड तक महाज्योति की किरणों को अपने में आता अनुभव करें। इन शक्तियों से पुराने संस्कारों को समूल नष्ट करना ही है। कल्प कल्प किया है, अब भी करना ही है। बाबा का प्यार बरसता अनुभव करें। इन किरणों में वो ताकत है जो पुराने संस्कार नष्ट हो जाते हैं। अब अपना तीसरा अलंकार इमर्ज करें,
कमल पुष्प को सामने देखे, अपने आप को खुद याद दिलाएं से बात करें, क्या सभी कार्य करते हुए मैं कमल पुष्प की तरह न्यारा प्यारा रहता हूं या लिप्त हो जाता हूं? कर्म किया, अच्छे बुरे की आकर्षण से परे हो गए, क्या मैं न्यारी स्थिति में रहता हूं या मुझ पर बातों रूपी कीचड़ का प्रभाव पड़ जाता है? अब तक जो भी हुआ, अब मुझे इस पुष्प की तरह न्यारा प्यारा रहना है। बाबा से वायदा कि मैं इस देह से भी न्यारा, संबंधों से भी न्यारा, दुनिया से भी न्यारा, सदा आपके प्यार में लवलीन रहूंगा। स्मरण रहे, जितना देह से न्यारे उतना बाबा के प्यारे। स्वीकार करेंगे मुझे पुष्प की भांति न्यारा प्यारा रहना है। नो इफेक्ट स्टेज में रहना है। परिस्थितियां आएं या जाएं, मेरी मनोस्थिति को लेके ना जाएं। बाबा के प्रकाश को अपने में आता अनुभव करें, स्वीकार करें मैं पुष्प समान न्यारा प्यारा हूं। बाबा के प्रकाश में वो ताकत है जो दुनिया से भी डिटैचमेंट सिखाती है। न्यारा हूँ बाबा का प्यारा हूँ, मैं देह से न्यारा हूँ बाबा का प्यारा हूँ, मैं देह से न्यारा हूँ बाबा का प्यारा हूँ।
धर्म धाम से एक दिन मैं नीचे आया, आकर के दो युग तक मैंने स्वर्णिम सुख पाया, स्वर्णिम सुख पाया। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा। मुझको पता बताया, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा अब अपना अलंकार चक्र सामने लाएं। ये स्वदर्शन चक्र है। अपने आप से पूछें, मैं स्वदर्शन चक्र चलाता हूं या पर दर्शन करने लगता हूं? स्वदर्शन से आत्म उन्नति होती है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं। महसूस करें सभी अलंकार मेरे पास हैं। इन अलंकारों को धारण कर मैं भृकुटी सिंहासन पर तपस्वी की तरह से चमक रहा हूं।
ये अलंकार मेरी शोभा है। अब मुझे कर्तव्य परायण बनते हुए पूरे संसार को इन अलंकारों से अलंकृत करना है। उन्हें भी स्वदर्शन चक्र के द्वारा परदर्शन से मुक्त करना है। इन अलंकारों को अपने कर्तव्य के साथ जोड़ते हुए बाबा की छत्र छाया में बैठ जाएं। महसूस करें इस परमात्म छत्र छाया में माया की धूप नहीं आ सकती। कोई उलझन नहीं आ सकती। मैं अलंकारी मूरत हूं। जिम्मेवारी का ताज धारण कर मैं हर बोझ से मुक्त लाइट की ताजधारी हूं। इन अलंकारों से मैंने अपने कर्तव्य को पहचाना है। कुछ पल के लिए बाबा की अनंत किरणों को स्वयं में समाते जाएं और सबको शक्ति का दान देते जाएं। बाबा से शक्तियां लेकर सबको बांटते जाना है। सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, आज पूरा दिन कर्म क्षेत्र पर इन अलंकारों से अपने कर्तव्य को कर्तव्य परायण बन के करें, जिम्मेवारियां निभाएं और हल्के रहें। कर्म क्षेत्र पर मेरे हर कर्म में बाबा स्वयं मेरे साथ है, उसकी शक्तियां मेरे साथ है। मैं अलंकारी मूरत आत्मा हूं। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से,
महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से, बन के फरिश्ता उड़ चलो, बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से, बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहां की लगती है प्यारी, शांति वहां की लगती है प्यारी। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहां की लगती है प्यारी, शांति वहां की लगती है प्यारी। बुला रहा है पिता तुम्हारा, हो हो बुला रहा है पिता तुम्हारा, अपनी मीठी पुकार से, अपनी मीठी पुकार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से, बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। ओम शांति। आगे भी योग को जारी रखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।